आप नाश्ता करते हैं? अरे यार सुनो सर, अगर आप नहीं होते पता नहीं क्या होता। रजनी साहब आप बहुत बड़े आदमी हैं। साहब हार मान लीजिए, जवानी गुजर जाएगी इसमें। अबे ओ, अगर ये मशीन तैयार हो गई ना तो तेरी जवानी का क्या होगा? यूसुफ भाई नहीं कर पाए तो आप क्या कर पाएंगे? मैं यूसुफ भाई का बाप हूँ, समझे? भाई साहब मशीन ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़का सलमान साहब, आप क्या समझते हैं ये गुड्डो गुड़ियों का खेल है? किताबें पढ़ी और मशीनें चालू कर दी। मैं 20 साल से इन मशीनों के रखरख से वाकिफ हूँ, और अगर मैंने इसे चालू कर दी तो क्या आप समझ रहे हैं आपकी इम्पोर्टेड कार है? चाबी लगाई और फुर देनी उड़ गई। एक काम करते हैं, सुबह शर्त लगाते हैं। किस बात की? अगर मैं ये मशीन ठीक नहीं कर पाता तो आप सबको पिछले 3 महीने की तनख्वाह, वरना आप सब 3 महीने के लिए मशीन पर काम करेंगे। सोच लो, मंजूर है? क्यों भाईओ, मंजूर है? क्यों बशीर, मंजूर है? मंजूर है, लगा लूं उस लौंडे से सर। अरे छोड़ो छोड़ो, कल के बच्चे आके यहाँ मशीनें ठीक करेंगे। एक काम करिए, हमारे साथ आ जाइए, फायदे में रहेंगे। छोड़ो छोड़ो यार, ये क्या शर्त लगाएंगे? शर्त लगी लगी लग गई तो अब यूसुफ भाई, अब तो मैं इसे ठीक करूंगा, वरना मेरा नाम भी सलमान नहीं, ठीक है ना? देख लेते हैं, काम देखो। आओ शंकर, इस नट को टाइट करिए जी, फिर उसके बाद स्विच ऑन करके देखते हैं। मशीन चालू करेंगे, कल के बच्चे आ जाते हैं, मशीन चालू करेंगे। भाइयों हो गई? वो तो गई। अच्छा, उसके बाद देखिए स्टार्ट करके। चलो चलो, यहाँ क्या खड़े हो? चक्कर था ओ भाइयों, मैं तो सर हार गया। चलिए भाइयों, अपने अपने काम पे चलिए भाइयों। मुझे तो ऐसा लगा कि कल का बच्चा ये कहां से आ गया। वेल डन सलमान साहब। थैंक यू। अब सलमान साहब के होते हुए फैक्ट्री कभी नहीं रुकी। चलिए भैया अपने अपने काम पे चलिए, चलिए भैया अपने अपने काम पे चलिए। सलमान साहब, आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। तुम लोगों को क्या कपड़ों से पहचानती हो? नहीं, मगर आज बात क्या है, आपने अपना सूट बूट टाई नहीं पहना? जी नहीं, अव्वल तो आज संडे है और मैं संडे को सूट नहीं पहनता। दूसरी बात यह कि आज मौसम बड़ा मजेदार है। इस मौसम में सूट टाई पहनना मौसम की तौहीन करना होगा। अच्छे लगे। Well, thank you. आज तो मैं सुपारी वाला नहीं लग रहा ना? आज आप दिलदार वाले लग रहे हैं। दिल वाला नहीं लग रहा? Well, hello. आपकी शख्सियत का ये रोह कहाँ छुपा रखा था? तुम तो आई नहीं देखे। मैंने चाय बना ली है और समोसे भी तैयार कर लिए हैं, जरा अंदर आ जाइए, बहुत मजेदार। आप तो मोनू के जबरदस्त फेवरेट हो गए। चलो शुक्र है किसी का तो फेवरेट हो गया। जब से आपने मुकदमा जिता दिया है ना, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, 6-6 घंटे गायब होने लगा है। देखो आज अच्छा काम कर रहा है, करने दो। वैसे भी आजकल बेगर्ज लोग कहाँ मिलते हैं, मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। मैं नहीं समझती कि आप इस तरह के होंगे। मैं खुद भी नहीं समझता था कि मैं इस तरह का हूंगा, मगर अब मुझे ये एहसास हुआ है कि मेरे और भी कुछ रुख हैं, शायद आपकी बदौलत। चलिए ना अंदर चलते हैं, समोसे ठंडे हो जाएंगे तो मोनू पैसा वसूल करने लगेगा। वो इस तरह का है। आपको चाहिए एक उम्र असली तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर हो। समोसे चलो।
हेलो हेलो भाई तुम भी अपने आप को जैसे स्पोर्ट्समैन। अरे बाप रे क्या शॉट मारा। हाँ रेडी चलो। हेलो तुम यहीं आई हो या रास्ता भूल गई? नहीं आई। मामू मामू बॉल खेलिए ना। हाँ बेटा खेलेंगे। तुम एक काम करो थोड़ी देर बाद खेलेंगे ठीक है। तुम वहां जाओ। हाँ मुझसे मिलने या वीनस के बच्चों से मिलने? वीनस के बच्चों से। वो कुत्ते तो मैंने दे दिए। दे दिए? हाँ तुम्हीं ने तो कहा था कोई अच्छे से घर ढूंढ के दे देना। मैंने दे दिए। ओह नो मैंने तो देखे भी नहीं थे। सुबह एक बेचारा भिखारी आया था बहुत मायूस था अकेला था। मैंने एक उसको दे दिया। भिखारी को दे दिया? हाँ। फिर एक अंधा आया था अब वो सड़क क्रॉस करने के लिए काम में आते ना तो मैंने कहा उसको दे देना चाहिए। अंधे को? हाँ कुछ देर ना। तीसरा एक वो पागल सी मैम नहीं है वो कोने पे बैठती है पागल सी सड़क के। मैं क्यों रखता? तुम रख दो। वैसे भी इन सब चीजों से मुझे दिलचस्पी का। ये देखो, तो आधी लेटी आधी सोई है। इसका नाम रखते हैं क्लियोपेट्रा। और ये मोटू, ये मोटू इसका नाम रखते हैं हेनरी द एट। और और ये लड़ाकू नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट। और ये जो काला का है उसका नाम भाई मैंने तो सोचा था कि तुम इनके नाम सुपारी वाला सूट वाला पानी वाला मगर सख्ती और तुमसे। चलो इसी बात पे मैं तुम्हें ट्रीट करता हूं। आइसक्रीम ग्रेट। अप्पू घर में बहुत अच्छी सॉफ्टी मिलती है। चलिए वहां चलते हैं। अप्पू घर? और वो तो बच्चे। तो क्या हुआ बहुत अच्छी सॉफ्टी मिलती है चलिए ना। तू वाकई वहां जाना चाहती? हाँ प्लीज। ठीक है आपका हुक्म सर आंखों पे। क्यों डरते हैं आप? हाँ डरता हूँ। जी इतने बड़े होकर डरते हैं? हाँ इतना बड़ा होकर डरता हूँ। ठीक है ओ, मैं हूँ ना आपके साथ। प्लीज चलिए ना इतना मजा आएगा। तुम हो मेरे साथ? ओह मेरा मतलब है कि चलिए। हाँ, ना देखो 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 अल्फाज मत बदलना। बात करो तो एक ही करो जबान होनी चाहिए ना। ओके चलिए ना प्लीज मैं टिकट लेती हूँ। चलो अगर मैं मर भी गया तो मेरा कत्ल तुम्हारे घर ही होगा। ऐसे ही तो कैसे खाते हैं भाई? साइड से खाना चाहिए। नीचे ना आए।
पिच-पिच हो गई है भाई, तुम बेहुदा चीजें ले आती हो। ये केस तो मैं हार गया, अब मैं क्या करूं इसका? सब साइन से लिखा ना। चलो इसमें चलते हैं। आप अभी आए हैं इस जगहों में, बड़े मजा आ रहे हैं। आज पता चल गया कि तुम कितनी डरपोक हो। और आप क्या कम डरपोक हैं? देखो मैंने तो पहले ही कह दिया था कि तो बहादुर नहीं हूँ। तो मैं इतनी चिल्ला रही थी और आप हंस रहे थे, आपको जरा भी डर नहीं लग रहा था? उसके बारे में तुम कैसे कह सकती हो कि वो क्या महसूस कर रहे थे? हो सकता है मैं डर रहा हूँ, हो सकता है मैं खुश हूँ। आप डर रहे थे, छिपा रहे थे। अरे सलमान के कारण जी, शायद कुछ इंजन प्रॉब्लम हुआ है। शायद और सलमान। अरे दिलदार क्या हुआ भाई? पता नहीं यार, गाड़ी को भी यहीं पे खराब होना था। देखो यार कितनी अजीब बात है, फैक्ट्री में तो बड़ी बड़ी मशीनें रिपेयर कर देता हूँ, लेकिन इस इंजन में नाक में दम कर रही है। आप तो इंजन के बारे में कुछ नहीं जानते। सॉरी यार, इंजन के बारे में तो मैं कुछ जानता नहीं। लगता है आज तो घर पैदल ही जाना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे बातें कर रहे हो भाई, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, कोई बात नहीं। इसको यहाँ ही छोड़ देता हूँ, गाड़ी यहीं छोड़ देता हूँ। कमाल है यार, कल मैकेनिक को भेजना पड़ेगा। देखो यार क्या फायदा स्पॉट लॉक कर लो। आशी हाउ आर यू? जी ठीक हूँ। जी आप लोगों के बारे में तारिक बताता रहता है, वैसे तारिक बहुत ही लकी है। योर सिस्टर सीमा, शी इज रियली अ लवली पर्सन। जी थैंक यू। जी थैंक यू, आप बीमार तो नहीं है? मैं तो सोच रहा था आप कहती थी थैंक यू, आखिर बहन किसकी है? एक्चुअली दैट्स राइट, मेरी बहन है। और सलमान वो फैक्ट्री कैसे चल रही? बस ठीक ही चल रही है, मैं तो जोर से काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह स्ट्राइक भी जल्दी टूट जाएगी। अरे आशी मैं तो भूल गया, कंग्रेट्स। तारे कह रहा था कि आपके वो जुपिटर के 5 पपीज हो गए। जी बहुत प्यारे हैं, दे सो क्यूट। अच्छा अब तो आपको बाबा के पास जाना ही पड़ेगा उनका फ्यूचर जानने। वक्त देखिए, अकलाइएगा मत, नहीं तो बाबा आपके मुंह में वो जड़ी बूटियां डाल दे। सलमान तुम बाबा के बारे में अब तक? लाने की तो बीमारी है ही आपको भाई, इसका भी कोई इलाज कीजिए। अगर आपको फिक्र नहीं है तो मुझे क्या पड़ी। चलो भाई मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। जल्दी कीजिए ना, मैंने आप कैसे तारीख निकाल रहे? अबे चुप है, यहाँ आपत बची हुई है। सीमा के सामने वो साइडन खड़ा हो गया, आगे पता नहीं क्या होगा। कौन है जरा नाम बताइए? वो कराटे के हाथ दिखाऊंगा, वो कराटे के हाथ दिखाऊंगा, छट्टी का दूध याद आ जाएगा। अबे जाहिल, ये सितारा है जो सीमा के सितारों को रोक रहा। अच्छा चाचू चुपके से आप दिन का चक्कर चलाइए, दिन में तो तारे होते नहीं। अबे इडियट, सीमा मंगलीक है। अरे तो तारीख को भी मंगलीक कर दीजिए ना। अरे भैया तारीख का सितारा तो ऐसा है, इतना बड़ा फ्लर्ट है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। मैं नहीं जानता चाचू, जल्दी कीजिए जल्दी, वरना वो जो पंडित जी है ना पूरे घर के बादाम और दूध खत्म कर देंगे। बहुत गड़बड़ है, लड़के और लड़की की रेखाएं नहीं मिल रही। कैसे नहीं मिलेंगी पंडित जी, ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हें क्या पता, तुम चुप बैठ। पंडित जी मैं तो ये कह रहा था कोई भी तारीख निकाल लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है इन चीजों में? फर्क कैसे नहीं पड़ता, देखिए ना कोई भी तिथि नहीं मिल रही है। 9 तक तो विवाह हो ही नहीं सकता है। 10 को राहु केतु का असर है, 11 को चंद्र ग्रहण है, 12 को सीता जी को वनवास मिला था, विवाह नहीं हो सकता। 13 का तो हिंसा ही गलत है।
पंडित जी 14 तारीख को कर लें हम। राम 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 राम, 14 को तो महाकाल पड़ा था, धरती पानी को तरस गई थी, इस दिन तो विवाह हो ही नहीं सकता है। महाकाल पड़ा था, यहाँ पर भी तो महाकाल हो रहा है, ये कौन सा तारा है? पंडित जी आप कोशिश करिए, कोई अच्छी सी तारीख निकाल दीजिए। निकालते हैं। दूध का गिलास लाइए और 6 बादाम भी। ये लीजिए दूध पीजिए। धन्यवाद। बादाम खाइए, ये बादाम खाइए ना, आराम से खाइए। मैं जरा देख के आता हूँ। अरे भैया लड़कियां ही ऐसी हैं, इसमें सितारों का क्या कसूर? चाचू इन दोनों लड़कियों की शादी हो जाए ना तो मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाऊंगा। अबे ओए तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं तो मिसाल के तौर पे कह रहा था, बस 2 फकीरों खिला दूंगा बस। और ज्यादा हातिम ताई बनने की जरूरत नहीं है, पहले 2-4 साल देख लेना कि शादी पक्की है या नहीं, उसके बाद किसी को खाना खिलाना। चाचू ना ना, अच्छा अच्छा बोलिए ना आप, पूरी पक्की वाली करवाएंगे, पक्की वाली। चाचू एक ऐसी तारीख निकालिए जो अशोका पिलर की तरह जम जाए और जमी रहे। पागल हो गया, आजकल कोई चीज पक्की बनती है जो शादी पक्की बनने लगे? अरे भैया आजकल तो रोज सड़कें उधड़ा करती। चाचू प्लीज इस तारीख का कुछ करिए, ऐसे मैं पागल हो जाऊंगा यहाँ पे। भैया मैं क्या करूँ, सितारों का हिसाब तो हिसाब है ना। कौन सा हिसाब किताब चाचू, शादी ही तो करनी है हमने, किसी भी दिन को कर सकते हैं। ये क्या, कोई दिन अच्छे बुरे नहीं होते, सब अल्लाह मियाँ के बनाए। वाह तारिक साहब वाह, ये हुई ना मर्दों वाली बात। अबे ओए मर्दों वाली बात, वो जो अम्मा उधर बैठी हुई है ना लड़कियों की, उनको कौन समझाएगा? आप समझाएंगे, 2 दिन से जो तमाशा चल रहा है यहाँ पे। अंततः तिथि मिल गई, इस माह की अंतिम तिथि को सूरज ढलने के बाद और चांद निकलने से पहले आप शादी करवा सकते हैं। ये तो सिर्फ 15 मिनट का वक्त हुआ, चांद इतनी जल्दी निकल आता है? यही समय निकलता है। ऐसे पंडित जी अगर आप बुरा ना माने तो छोटा मुंह बड़ी बात, माफी चाहता हूँ। लड़के की राशि में केतु, लड़की की राशि मंगल ग्रह में, इसीलिए मैत्र चक्र के संबंध का चक्र बनता है और मंगल के बलाबल 10 वर्ग निरपुण किया जाए और गुरु के स्वामी को गिना जाए तो दोनों कन्या और लड़की की राशियों में गड़बड़ है। जब शुक्र दोनों का ही गड़बड़ है तो आपस में बहुत अच्छी जमेगी। संभव संभव, हो सकता है। हो सकता नहीं है। नो नेगेटिव, टू नेगेटिव्स मेक अ पॉजिटिव। हां मुबारक मुबारक पंडित जी, मुबारक। मगर ये देखिए ना, आप ये पढ़िए, इसमें देखिए, आप उसको भूल जाइए। मगर बहन जी तो अगले माह की तिथि चाहते थे। ये महीना भी बिल्कुल ठीक है, चल जाएगा पंडित जी, चल जाएगा। परंतु इनके हिसाब से तो इस माह की तिथि निकलती है 2085 में। 90 साल बाद? अरे तो क्या फर्क पड़ता है, haven't you heard about long engagement? अच्छा चाचू। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे आसमान पे चढ़ा देते हैं, अपने से दूर, मगर दोस्त तो साथ चलते हैं, अंधेरे में, उजाले में, अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में, दोस्त साथ चलते हैं, साथ चलना तो बहुत मुश्किल है, नहीं तो मुझे और भी टॉर्चर करना है। बड़ी आसानी से कह दिया मुझे अपना दोस्त बना, अपनी दोस्ती मुझे दे। क्या करना चाहिए, उससे दूर भी नहीं रह सकता,
और इतना पास भी नहीं रह सकता कि ये सब देख सकूं। I love her too much to ever start liking her. I'm be a friend. I can't and I won't. कितनी शर्म की बात है। Oh for God's sake, Seema, ये तमाशा बंद करो। तमाशा? अरे वाह, तमाशा तो आप लोग कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ पंडित जी तीन रोज से दिन रात काली किए हुए थे और फाइनली एक दिन मुहूर्त का निकला तो तुम शादी करने से इनकार कर रही हो। जी हाँ, तारिक ने आपसे कहा है कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। नहीं ना, उस बेचारे को तो पता भी नहीं था उस दिन कि वो पंडित आने वाले हैं। और फिर आप और चाचू मिलकर शादी की तारीख कैसे पक्की कर सकते हैं? ओह माय गॉड, 24 घंटे वो इस घर में बैठे रहते हैं तो किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम क्या चाहती हो कि वो छतों से ऐलान करें कि वो तुमसे शादी करना चाहते हैं? मम्मी, ऐसा भी हो सकता है ना कि वो अभी घर बसाना नहीं चाहते। अगर तुम लोग इसी दौर में हो तो फिर बेहतर यह है कि तुम अलग हो जाओ। हम शादी करना चाहते हैं लेकिन इस तरह नहीं, ये डेडलाइन सिस्टम में। शादी क्या क्लाइंट प्रेजेंटेशन है जो कि एक डेडलाइन मीट करनी है? वो अगर तुमसे प्यार करता है तो शादी करना चाहता है, बस। मम्मी, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। जबरदस्ती? सीमा, मैं ताउम्र तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन अब या तो 30 तारीख को शादी करूं या इन कंडीशंस में तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी शादी। गुड इवनिंग लेडीज। कौन से कंडीशंस भाई? सीमा, तुम ऐसे करो, तुम मेरी बाकी बीवियों की फिक्र बिल्कुल मत करो। दैट टोटली हार्मलेस भाई, वो तो बेचारी तुम्हारा बाल तक बांका नहीं कर सकती। आई एम सॉरी तारिक, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अरे मेरे साथ इतना फ्लर्ट करने के बाद? हाय सीमा, ये मजाक नहीं है, आई एम रियली सीरियस। तो तुम मेरे से प्यार नहीं करती क्या? हाउ कैन यू से दैट? Of course I love you. लेकिन मम्मी और चाचू मिलकर तुम्हारे लिए फैसला कैसे कर सकते हैं? I'm so embarrassed. जबरदस्ती? अरे कौन सा फैसला भाई, कौन सी जबरदस्ती? तुम तो जानते हो पहले दिन से मैं सिर्फ शादी की ही तो बात कर रहा हूँ। देखा मैंने क्या कहा था, तारिक भी वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? तारिक ने आज तक मेरा हाथ मांगा है? अच्छा जी, तो ये बात है। सीमा, तुम मेरे से शादी करोगी प्लीज? कभी भी नहीं, ये सब आपकी वजह से हो रहा है मुरव्वत में। मैं तो हार गई भाई, मत करो शादी। 2085 में करना, मैं तो तब होंगी ही नहीं। आंटी वेट, 2085 में तो हम भी नहीं होंगे यहाँ पे। अच्छा जी, आप उनसे शादी नहीं करेंगे? कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेवर। लग गई शर्त।